कहते हैं कि डॉक्टर और वाहन चालक भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि इनके हाथ में कई लोगों की जिंदगियां होती है। और अगर हम बात पहाड़ी राज्यों की करें तो यहाँ पर वाहन चलाते वक्त बेहद सावधानी बरतनी पड़ती है, लेकिन कभी कभार तकनीकी खराबी ऐसी हो जाती है कि कई लोगों की जान खतरे में आ जाती है। हर साल कई बड़े बड़े हादसे हमने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में देखे हैं, लेकिन कई बार चालक की सूझबूझ से कई बड़े हादसे होते होते बचे हैं। ऐसे मामलों की सबसे ताज़ा याद हमें शिलाई घटना से आती है, जब एक निजी बस चालक सतपाल ने कई लोगों की जान बचाई थी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो स्टोरी देख सकते हैं। खैर, आज एक ऐसा ही मामला सामने आया जब मंडी जिले के सलाना से करसोग जा रही बस की अचानक ब्रेक फेल हो गई। करीब 10 बजे जैसे ही बस शोरशन पहुंची तो यहां स्पीड ब्रेकर के समीप चालक ने स्पीड को कुछ कम करने के लिए ब्रेक मारी, लेकिन बस की ब्रेक नहीं लगी और बस उछलते हुए स्पीड ब्रेकर से आगे निकल गई। बस बेकाबू हो रही थी। चालक मुरारी लाल ने बताया कि मैंने ब्रेक पर खड़े होकर जोर से ब्रेक मारी, लेकिन फिर भी ब्रेक नहीं लग रही थी। ऐसे मौके पर चालक घबराया नहीं और चालक ने सूझबूझ दिखाई। मुरारी लाल ने बस को एक संपर्क मार्ग की तरफ घुमा दिया। संपर्क मार्ग पर चढ़ाई थी तो बस की स्पीड थोड़ी थोड़ी कम हो गई और बस धीरे धीरे पीछे आते हुए पलट गई। बस पलटने से लोगों को हल्की सी चोटें आई है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उनका कहना है कि अगर चालक यहां पर सूझबूझ नहीं दिखाता तो बस गहरी खाई में जा गिर सकती थी और वहां से किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। इसके बाद से अब चालक को पुरस्कृत करने की मांग उठ रही है। लोगों का कहना है कि चालक अगर सूझबूझ नहीं दिखाता तो कई घरों में मातम पसर सकता था। पहाड़ प्राइम ऐसे बहादुर चालक को सलाम करता है। मैं एचआरटीसी ड्राइवर करसोग सलाना से करसोग जा रहा था। शोरशन के पास जब पहुंचा, अचानक गाड़ी की ब्रेक फोड़ दी और उसके बाद गाड़ी फ्री हो गई तो हाथ में ही एक लिंक रोड मिला और मैंने गाड़ी बचाने के चक्कर में लिंक रोड में चढ़ा दी और लिंक रोड से गाड़ी आस्ते आस्ते पीछे आई। पीछे करके फिर सब सवारियों को बचाने के चक्कर में गाड़ी आराम से पलट गई। अगर वहाँ से आगे गई होती तो कुछ भी नहीं बचता। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ।